फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर। प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन के बाद जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड्स। जी हाँ फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। टॉपिक बेस है सेक्शन और डेवलपमेंट के लिए। अगर सेक्शन आपको बहुत अच्छी तरह पढ़ना है तो आप सॉलिड्स के बेस बहुत अच्छी तरह क्लियर करिए। तो सबसे पहले आज के लेक्चर में हम बात कर रहे हैं डिफरेंट वेराइटी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉलिड्स के बारे में। तो हमने सॉलिड्स को मेजरली दो पार्ट्स में डिवाइड करा है। एक है हमारे पास पॉलीहाइड्रल और दूसरा है हमारे पास सॉलिड्स ऑफ रिवॉल्यूशन, या फिर इसे रिवॉल्यूशन ऑफ सॉलिड्स भी कहा जाता है। सबसे पहले बात करते हैं हम इसी सॉलिड्स ऑफ रिवॉल्यूशन के बारे में कि सॉलिड्स ऑफ रिवॉल्यूशन एक्चुअली होता क्या है। सॉलिड्स ऑफ रिवॉल्यूशन वो सॉलिड जो किसी चीज को रिवॉल्व कराने से, रोटेट कराने से जनरेट हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक एक्सिस है और इस एक्सिस के ऊपर मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल लगा देता हूं और इस एक्सिस को कस के रोटेट कराता हूं बहुत स्पीड में, तो अब आप सोचिए ये आपको क्या दिखाई देगा? क्या ये आपको एक कोन की तरह दिखाई देगा? जी हाँ बेटा, यही है सॉलिड्स ऑफ रिवॉल्यूशन का पहला एग्जाम्पल जिसका नाम है कोन। और कोन को जनरेट किसने करा? आपने देखा कोन को जनरेट करा राइट एंगल ट्राइंगल में, तो हम कह सकते हैं राइट एंगल ट्राइंगल इज द जनरेटर ऑफ अ कोन। ठीक इसी तरह अगर मैं किसी एक्सिस के ऊपर रेक्टेंगल लगा दूं तो और उसको घुमाऊं तो अब आप सोचिए क्या जनरेट होगा? जी हाँ, एक सिलेंडर। और अगर मैं सेमी सर्कल एक्सिस पे लगाकर रोटेट कराऊं तो अब जो मिलेगा आपके पास स्फीयर। तो हमारे पास तीन एग्जांपल है, कोन, सिलेंडर एंड स्फीयर। नाउ अब हम बात करते हैं पॉलीहाइड्रल के बारे में। पॉलीहाइड्रल को मैंने तीन पार्ट्स में डिवाइड करा है, पहला रेगुलर, दूसरा प्रिज्म और तीसरा है हमारे पास पिरामिड्स। तो फ्रेंड्स सबसे पहले बात करते हैं रेगुलर के बारे में। रेगुलर में हमारे पास अकॉर्डिंग टू द सिलेबस दो सॉलिड्स हैं, टेट्राहेड्रन और क्यूब। इस क्यूब को हेक्साहेड्रन भी कहा जाता है। आइए प्रिज्म के बारे में बात करें। तो प्रिज्म में हमारे पास टोटल चार प्रिज्म हैं, जिसमें पहला प्रिज्म आपके पास है ट्राइंगुलर प्रिज्म, दूसरा प्रिज्म स्क्वायर प्रिज्म, तीसरा पेंटागोनल प्रिज्म और चौथा हेक्सागोनल प्रिज्म। आइए बात करते हैं पिरामिड्स के बारे में। तो पिरामिड में पहला पिरामिड वही ट्रायंगुलर पिरामिड, दूसरा पिरामिड स्क्वायर पिरामिड, तीसरा पिरामिड पेंटागोनल पिरामिड और चौथा पिरामिड हेक्सागोनल पिरामिड। फ्रेंड्स दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। तो आपने देखे हमने सॉलिड्स को दो पार्ट्स में डिवाइड करा, एक था हमारे पास सॉलिड्स ऑफ रिवॉल्यूशन, दूसरा था पॉलीहेड्रल। पॉलीहेड्रल तीन पार्ट्स में डिवाइड है, जैसा रेगुलर, प्रिज्म और पिरामिड्स। आइए अब इन सॉलिड्स में से एक एक सॉलिड्स को हम थोड़ा करीब से समझें और डायमेंशनल प्रॉपर्टीज को देखते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं आपसे यहां पर प्रिज्म के बारे में। प्रिज्म तो ये रहा आपके सामने एक स्क्वायर प्रिज्म। आप इसको गौर से देखें, अगर आप टॉप देखें तो जैसा टॉप बिल्कुल वैसा ही आपको बेस नजर आ रहा होगा। मैं इसको थोड़ा सा लाइट करता हूं तो अब आपको पीछे की एजेस दिख रही होंगी और ये रही एजेस आपके सामने। तो टोटल नंबर ऑफ कितनी एजेस है गिनिए आप, तो स्क्वायर प्रिज्म के अंदर टोटल 12 एज हैं यहां पर। और वर्टाइसिस की बात करें अगर कॉर्नर, तो ये देखिए कॉर्नर, तो टोटल 8 कॉर्नर हैं। तो प्रिज्म है क्या? प्रिज्म वो सॉलिड्स जिनका अपर एंड और लोअर एंड बिल्कुल एक जैसा हो और वो बंधे होते हैं रेक्टेंगुलर फेसेस से। तो ये था स्क्वायर प्रिज्म। ठीक इसी तरह अब है आपके सामने पेंटागोनल प्रिज्म, जिसके अंदर टोटल नंबर ऑफ एजेस हमारे पास 15 हैं, टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर 10 हैं पेंटागोनल प्रिज्म के बाद। अब है हमारे पास हेक्सागोनल प्रिज्म, इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ एजेस 18 हैं और टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर 12 हैं। ये 6 रेक्टेंगुलर फेसेस के साथ बंधे हुए हैं। तो फ्रेंड्स हमारे पास जो मेजरली प्रिज्म है वो है ट्रायंगुलर प्रिज्म, स्क्वायर प्रिज्म, पेंटागोनल और हेक्सागोनल। तो आपको समझ में आ गया प्रिज्म क्या है। प्रिज्म वो सॉलिड बाउंडेड बाय रेक्टेंगुलर फेसेस फ्रॉम द सेम एंड बेस टू द सेम एंड बेस। ओके फ्रेंड्स अब बात करने जा रहे हैं हम पिरामिड्स के बारे में। तो पहला पिरामिड ये रहा आपके सामने और ये पिरामिड मैं लेकर आया हूं पेंटागोनल पिरामिड। तो पेंटागोनल पिरामिड में अब आप देखिए, टॉप से आप देखेंगे तो आपको पेंटागन दिखाई देगा और मैं सारी एजेस अब आपको दिखाता हूं। तो टोटल नंबर ऑफ एजेस कितनी है यहां पर? टोटल 10 एजेस हैं। अब पेंटागोनल पिरामिड, पिरामिड में अगर देखें तो पिरामिड में एक अपेक्स होता है और एक ही बेस होता है यहां पर, और यहां पर जो फेसेस होती हैं वो ट्रायंगुलर होती हैं। तो जो भी पिरामिड हो उसकी फेस जो होंगी वो ट्रायंगुलर होंगी। अगर इसका टॉप व्यू देखें आप
तो अब आपको बीच में एक पॉइंट नजर आ रहा होगा और हर कॉर्नर से जाती हुई स्लांट एज आपको अपेक्स पर मर्ज होती हुई दिखाई दे रही होगी। तो फ्रेंड्स, ये था हमारे पास पिरामिड। यहां पर जो ट्राइंगुलर फेस है, उस ट्राइंगुलर फेस के अंदर जो दो ऐसी एज हैं, इनको स्लांट एजेस कहा जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको प्रिज्म, पिरामिड, कोन, सिलेंडर समझ में आ गए होंगे। आइए अब बात करते हैं प्लैटोनिक सॉलिड्स। जी हाँ, प्लैटोनिक सॉलिड्स को ही रेगुलर सॉलिड्स कहा जाता है, और वो रेगुलर सॉलिड में सबसे पहले है हमारे पास टेट्राहेड्रन। टेट्राहेड्रन रेगुलर सॉलिड्स क्या बेटा? रेगुलर सॉलिड्स वो सॉलिड्स जिनकी सारी फेस बिल्कुल एक जैसी डायमेंशन में बराबर हो। ये टेट्राहेड्रन के अंदर अगर आप देखें तो टोटल 4 इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं और सभी बिल्कुल इक्वल हैं। तो ये हमारे पास पहला रेगुलर सॉलिड्स था। दूसरा है हमारे पास हेक्साहेड्रन, जिसको हम क्यूब भी कहते हैं, आप इसको पहले से ही जानते थे। तो बेटा टोटल नंबर ऑफ कितने स्क्वायर हैं यहाँ पर? 6, और सभी के डायमेंशन बिल्कुल बराबर। हमें जो पढ़ना है वो ये दो ही हैं, लेकिन और भी रेगुलर सॉलिड्स होते हैं, जैसे हेक्साहेड्रन के बाद ऑक्टाहेड्रन, ऑक्टाहेड्रन के बाद डोडेकाहेड्रन, डोडेकाहेड्रन के बाद आइकोसाहेड्रन। तो मैं उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको टाइप्स ऑफ सॉलिड्स अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। बेटा अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में और हम बात करेंगे अब डिफरेंट कंडीशंस ऑफ सॉलिड्स के बारे में। थैंक यू फ्रेंड्स।